Hi, it's a very good morning to all of you, and I welcome you to the online mathematics class of Kerala Public School. So the chapter circle we were discussing, and the first theorem, that means one theorem we have discussed, and the second one we are left with. Today we will do that. And in the previous class I told you that this theorem is logical. This theorem has got a logical proof. Logical proof means कैसे proof है? तो theorem एक बार पहले तो theorem बता देता हूँ आपको. The theorem is first one was जो हमने proof कर लिया अब तक. That means we have proved it already. From an external point, two tangents can be drawn and the length of the tangents are equal and the angles subtended by that two tangents at the center are equals. And the angles of inclination made by the tangent with the line of joining are also equal. तीन point दिए थे और वो जो length tangent लिए थे हम कहाँ से लिए थे? From that external point to the point of contact. उसके आगे जो line है वो नहीं लेना. This much is considered as the length of the tangent. तो second theorem हमारे को ये कहता है that radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. So this is the next topic we have to prove. Got it? उसके बाद हमने चलेंगे exercise पे. तो पहले concept समझ लो. 5 minutes I will take to explain the topic. Then मैं उसका आपको रिटेन फॉर्म में कर दूंगा. तो जैसे हमारा दिस इज द सर्कल, दिस इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट एक्स वाई. स्टार्टिंग इधर से कर लो, एक्स इधर कर लो, लेफ्ट से शुरू करते हैं हमने. सो दिस इज अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड एक्स वाई इज द टेंजेंट एट द पॉइंट पी. दैट मींस पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अच्छा आपको एक बात बता देता हूँ, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टेंजेंट टच करते सर्कल को. दैट मींस वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट पे भी है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सर्कल का बाउंड्री पे भी है. दैट मींस दैट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड द टेंजेंट, है ना? तो हमको ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है. दिस इज द इंडिकेशन ऑफ ए 90 डिग्री एंगल. कोई सा एंगल को अगर आप ऐसे डिनोट करोगे ना, ऐसे, दिस इज 90 डिग्री. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर ऐसे डिनोट कर रहे हो तो ये 90 डिग्री नहीं है. 90 डिग्री का यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं परपेंडिकुलर को. तो इसमें सी ये भी एक रेडियस बना लिया मैं, और इधर भी एक रेडियस बना लिया. गॉट इट? नो प्रॉब्लम. तो दिस रेडियस सपोज इसका नाम है जी क्यू, इसका नाम है सपोज आर, समझ लो. तो ओ क्यू इक्वल टू ओ पी इक्वल टू ओ आर, नो प्रॉब्लम. सो इफ यू एक्सटेंड दिस ओ क्यू डॉट डॉट लगा के आगे तक बढ़ा दो, ये पी वन पॉइंट मान लेते हैं, इसको भी आगे थोड़ा सा बढ़ा दूंगा डॉट डॉट करके, स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, ये P2 मान लेंगे. दैट मींस OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OR. लेकिन अब जो ये OP1 आ गया, दैट मींस OQ प्लस समथिंग ये एक्सटेंड हो गया ना. तो इधर भी OP2 जो है OP से बड़ा है, इधर भी OP1 इससे बड़ा है. अगर ये पॉइंट और ले लूंगा, सपोज ये M पॉइंट है, ये P3 मान लेते हैं, तो ओ एम इक्वल टू ओ पी एंड ओ पी थ्री, दिस मच इज एडेड, दिस मच इज एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड ना, एक्सटेंडेड पर दिस इज, तो ओ पी थ्री इज ऑल्सो ग्रेटर देन ओ पी. सपोज एक पॉइंट और ले लो, इधर ले लो, ये स्मॉल से ले लेते, बस ये मान लो N पॉइंट है ओ एम. थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा लाइन तक आने के लिए, इतना ऐड करना पड़ेगा P4 सपोज. That means each and every point ये लाइन में बनाने वाला, each and every इस लाइन के ऊपर
जितने भी लाइन बनाऊंगा इस टेंजेंट के ऊपर, जितने भी लाइन बनाऊंगा इस सेंटर से, वो सारा लाइन बड़ा होगा ओपी से। क्यों? क्यू बड़ा होगा, वाई? बिकॉज पी इज द कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड द टेंजेंट। तो ओपी जितना होगा, अब मैं ये लाइन ले लूंगा यहां तक, तो ये भी तो इस पॉइंट तक इतना ही आ गया आपका, और थोड़ा सा ऐड करने के बाद लाइन तक आएगा ना, गॉट इट ना? ओपी जितना है, ओक्यू भी इतना है, तो ये क्यू, ये इतना ऐड करना पड़ेगा, इतना इतना ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ओपी वन हो जाएंगे। डेट मीन्स ईच एंड एवरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस सेंटर ओ टू दिस लाइन विल बी ग्रेटर, विल बी लार्जर देन दिस ओपी। गॉट इट ना? वाई? बिकॉज ये सर्कल में यहां से सारा ये बराबर होता ना, तो इसके साथ ऐड करूंगा तभी तो लाइन तक, ये लाइन तक, इस लाइन को बढ़ाना है तो एक्सटेंड करना पड़ेगा। दैट मींस एज ए होल दिस इज द शॉर्टेस्ट लाइन, बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑन द लाइन ऑल्सो, दिस पॉइंट इज ऑन द सर्कल ऑल्सो। दैट मीन्स ओपी इज द शॉर्टेस्ट साइड, ओपी इज द शॉर्टेस्ट साइड फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट। गॉट इट? इतना तो मानते हो कि ओपी इज द सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द टेंजेंट। Good. And we know in class 9 we got that shortest distance is the particular perpendicular distance. We know in class 9 we got that the shortest distance is the perpendicular distance. जैसे ये दो लाइन है जी, ऐसे थोड़ी नापते हैं हमने, ऐसे नहीं नापते हैं ना, कैसे नापते हैं? Perpendicular distance is the shortest, हमेशा ऐसे नापते हैं ना, ऐसे नापते हैं ना स्ट्रीट। हाँ, तो perpendicular distance is the shortest distance, आपको class 9 में displacement में भी मिला था, got it ना? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज अ साइंटिफिक फैक्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो दिस ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मींस ओपी इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। दैट इज व्हाई मैं कल आपको बोला था दिस इज अ लॉजिकल प्रूफ, गॉट इट ना? तो इसको मैं रिटर्न तरीका से कैसे करूंगा, उद कर देता हूं। तो ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या है, अभी जो मिटा दिया वो लिख लो, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, लिख लेना। अभी मिटा दिया था ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। गुड। तो टू प्रूव OP perpendicular on XY, OP perpendicular on XY प्रूफ करना है। XY इज द टेंजेंट, O इज द सेंटर, P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। दैट मीन्स इसको हमने क्या करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट OP इज परपेंडिकुलर टू XY प्रूफ करना है। यही हमारा स्टेटमेंट है, दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। दिस इज द स्टेटमेंट, लिख लेना। टू प्रूफ ये कर लेना डायग्राम बना के, नाउ प्रूफ लिखो। लिखेंगे ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओपी इज द रेडियस, एक्स वाई इज द टेंजेंट, दैट मच वी हैव एज्यूम्ड। अच्छा, उसके बाद हमने जब अभी जो आपको एक्सप्लेन करते समय जैसे दो पॉइंट लिए थे, वैसे हमने दो पॉइंट ले लेंगे इसमें, फिर आपको उस हिसाब से रिटर्न कर दूंगा।
So see, from the diagram, OP1 equal to OQ plus QP1. Got it, na? This much OQ plus QP1. That means this is extended OQ. OQ ko extend kar diya P1 tak. To OQ plus QP1. So this is OP1 is greater than OP. Why? Since ye cause since hai, iska matlab hai since. This is the symbolic representation for since. Since OQ equal to OP. OQ equal to OP itna add kar liya tha, that is why this much length will be greater than OP. Similarly, OP2 equal to OR plus RP2. This will be also be greater than. ऐसे greater than मन लिखो. इसको लिखो ऐसे. कोमा लगाओ. कोमा लगा के लिखो. OP1 is greater than OP. ऐसे लिखो. इधर भी कोमा लगा के लिखो. OP2 is greater than OP. Since OR equal to OP. That means हमारा ये दोनों स्टेटमेंट का ये मतलब है, by these two statements, we just want to make sure that this OP, this OQ and this OR, they are of same length, they are of their radius of the circle. But when you extend this OQ to P1 point, that means that added is QP. That added part is QP1. Here added part is RP2. That means as a whole, OP1 is greater than OP, OP2 is greater than OP. That means any point from any line from this point to this tangent, any line drawn from this center to this line will be larger in length than this OP. Got it, na? You take this point also. Suppose we will assume this point. Suppose this point is M, this is P3, suppose. Then likhenge OP3 equal to OM plus MP3, कोमा लगा के लिखूंगा, therefore OP3 is greater than OP, since OM equal to OP. तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ, तीन पॉइंट इज सफिशियंट. तो ये बता दिया आपको, that means OP is the shortest distance between this point to this line, between this point and between this line, OP is the shortest distance. तो इसके बाद ये इतना स्क्रीनशॉट ले लो, और दो लाइन लिखना है, मैं आपको लिख देता हूँ, अभी जगह नहीं है. तो टेक ए स्क्रीनशॉट, राइट डाउन दिस मच. हो गया. तो इसके बाद लिखेंगे, देयरफॉर ओपी इज द shortest distance from the center to the tangent xy, to the tangent xy. So OP is the shortest distance from the center to the tangent xy, and we know, see, only two lines I am left with. So OP is the shortest distance between this center and this tangent xy. We know the shortest distance is the perpendicular distance. ये कहाँ मिला आपको? It is a scientific fact. I told you in class 9 we got. While finding the distance and displacement, all that. Suppose ये दोनों line है, ये हम टेढ़ा नहीं नापते हैं. सीधे से perpendicular distance is the shortest distance. That is why this is perpendicular distance. OP is perpendicular distance from the center to this tangent xy. Therefore, OP is perpendicular on xy. Got it, na? So I told you yesterday that this is a logical proof. No geometrical, proper geometrical proof we don't have on this theorem. So this much you practice this at home. Okay, bye.